हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं। एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज की इस वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बज चुके हैं। और जैसे कि आप सभी लोगों को विगत ही होगा कि आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हमने स्नान कर लिया है, रेडी वगैरह हो चुके हैं और सबसे पहले बारी आती है भगवान जी की पूजा करने की। और आज सोमवार भी है, तो आप सभी लोग जैसे कि जानते ही हैं मैं सोमवार को हर दिन जाती हूँ शिवालय में महादेव जी के मंदिर। तो अभी मैं पानी चढ़ा के आऊँगी। वहाँ का वीडियो मैंने काफ़ी टाइम बना लिया है, इसलिए आज वहाँ तो नहीं बनाऊँगी वीडियो। पहले मैं अपने घर के मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी उसके बाद। और ना आज का मौसम देखिए दोस्तों आप, पूरे उसमें ना कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है, पूरे उसमें बादल छाए हुए हैं। और यहाँ पे है हमारे घर की सस्ती ब्लॉगर। नहीं नहीं ब्लॉगर नहीं, गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या है चैनल? माही पवार 3217। तो इसका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मुझे एक चीज और बोलनी थी कि तन्नू से ज्यादा व्यूज कल मेरे व्लॉग में आए। हाँ। तो आपको बहुत सारा धन्यवाद। और कल बताओ इसने क्या किया? इसने मुझे बोला कि सुबह के टाइम पे ना वीडियो अपलोड कर दे, तब ना ज्यादा व्यूज आते हैं। कि और मैंने ना सुबह जल्द ही ऊपर से कोई आवाज लगा रहे दोस्तों, गाँव में ऐसे ही हो रहा है, उसको इग्नोर कीजिए। तो दोस्तों ऐसा होता है ना कि कल इसने बोला कि सुबह जल्दी वीडियो डाल दे, मैंने जल्दी डाला, उसमें 1000 व्यूज़ भी इतनी मुश्किल से गए ना कि क्या ही बताऊं। और इसकी वीडियो रैंक कर गई। और ये कह रही है कि जो मतलब मेरी फैमिली, मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली से भी कुछ लोगों ने इसकी वीडियोस को देखा, ये बोल रही है कि नहीं देखा। वो मेरे फॉलोअर्स थे गाइस, मेरे फैंस। फैंस तो इधर का बात। तभी मैं पूजा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी मम्मी हमें डांट रही है, काम हमें बांटा जा रहा है और चाची भी मम्मी का सपोर्ट कर रही है। बहुत गलत बात है ये। और दीदी मम्मी जैसे घर में पहुंची, दीदी ना यहाँ पे झाड़ू मारने की एक्टिंग करने लग गई कि हम झाड़ू मार रहे हैं। तो अभी दीदी का को ड्यूटी मिल चुकी है झाड़ू लगाने की। और मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा आफत आ रही थी उन कपड़ों में। तो अभी चलो, आज है रक्षाबंधन तो गर्मा गर्म पकौड़े बनाते हैं। पहले दीदी को बोलते हैं थोड़ा सा ना किचन की सफाई कर दे। तो दोस्तों कुछ ऐसे रिएक्शन आते हैं। और बाकी तो वीडियो में आपको फेक दिखाया जाता है कि इतना काम कर रही है मेरी दीदी, बाकी ये ऐसे रियल में कुछ नहीं करती है। तो दोस्तों आज इसने बाथरूम साफ किया, तो इसको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। और मैं तो इतना काम करती हूँ कि क्या ही बताऊँ। अभी मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ, आज मुझे खाना भी बनाना है। थी अभी भी करती हूँ दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। और अभी मैं थोड़ा सा पकौड़े बनाती हूँ, क्या पता मम्मी ही बना दे। तो दोस्तों चलो मैं यहाँ से चलते हैं अंदर, मैंने ना खाना बना लिया है। और प्लीज बहन मत, मैं दिखाती हूँ मैंने आज ना खाने में क्या क्या बनाए हैं दीदी के। तो पहले मैं ना आलू निकाल लेती हूँ। और मैंने दाल भात बना लिया है यहाँ पे अपना। तो गाइस अब हमारी मम्मी बोल रही है कि पकौड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। और आज हमें अपने भाई की बहुत ज़्यादा याद आ रही है क्योंकि वो नहीं आया, बट उसने हमें पैसे दिए है ना। पहली बार नहीं, पहले तो दिए थे, पहले भी देता था बट इतने नहीं देता था। पहले मतलब मम्मी लोगों के देता था, अब अपनी कमाई का दिया इस टाइम पे, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तुझे कैसा लगा? दोस्तों अच्छा बंधन के पैसे जो भाई ने दिए थे उसकी खुशी इसको नसीब नहीं हुई अभी। नहीं नहीं उसने मेरे लिए भेजा पर अभी इसके अकाउंट में, तो मुझे हाँ मैं सोच रही हूँ कि ना दूँ, दे दूँ। हाँ ठीक है दे देंगे दोस्तों, आप कमेंट करना। अभी गाइस हम आलू छील रहे हैं ये, और आज हम बनाएंगे क्या? आलू की पकौड़ी, पकौड़ियाँ। और हमारा खाना वाना सब कुछ बन चुका है। किसने बनाया? मैंने बनाया है और अभी हमारा भाई। दोस्तों कभी ही नहीं बनाती मैं, वैसे तो उस टाइम से लगी हुई उसको कि चला दाल ही बना दे, भात ही बना दे या कुछ ही बना दे, कुछ नहीं बनाया इसने, मेरे को ही बनाना पड़ा। नहीं सबसे पहले मैं सुबह उठी, मैंने झाड़ू मारा, उसके बाद मैंने वॉशरूम वगैरह साफ करा। भाई आज दोस्तों ने पहली बार वॉशरूम साफ करा, तो इसने 20 बार बोल दिया इसने यही बात। तो अभी
और ना मैं ऐसे लंबे लंबे वाले बनाऊंगी आज। तो गाइस अभी ना एक मिनट, अभी हमारा जो भैया है बड़ा भाई वो आ रहा है श्रीनगर से। पहले हमने सोचा था कि हम लोग ना श्रीनगर जाएंगे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि मतलब मेरा भाई तो देहरादून में अभी जॉब कर रहा है, फिर वहाँ भैया लोग हैं मेरे बड़े भैया, तो हमने सोचा था श्रीनगर ही जाएंगे हम मतलब कल परसों तक हमारा यही प्लान था। बट बाद में पंडित जी से हमने पता किया, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उसी टाइम पे मेरी बहन की शादी हुई थी, मतलब इसकी नहीं, जो मतलब मेरी बड़ी बहन है यानी कि मेरे ताऊ जी की बेटी, उसकी शादी हुई थी मेरे से एक दो दिन बाद ना। 20 तारीख को मेरी बारात गई थी और 22 को उसकी मेहंदी थी, है ना। तो फिर हम लोगों ने ना 6 महीने तक एक दूसरे की शकल नहीं देखनी थी, क्योंकि बोलते हैं कि खराब होता है कि शकल नहीं देखना है, क्योंकि एक ही परिवार का हो गया। इस वजह से हम लोग वहाँ नहीं गए, क्योंकि दीदी भी आ रखी है आजकल वहाँ रक्षाबंधन के लिए, और लास्ट टाइम पे हमारा कैंसिल हो गया। तो अभी ना भैया आ रहा है हमारा, और भैया हमको चिज्जी लाएगा, है ना। और आज हमने स्पेशल मिठाई मंगाई है रक्षाबंधन वाली, तो वो आपको हम बाद में दिखाएंगे। तो दोस्तों अब टाइम हो चुका है दिन के 1, और अभी टाइम है पापा जी को लंच देने का, तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ। और ना मेरा भाई भी पहुँच चुका है, तो अभी उसने भी बोला है कि मेरे को लेने के लिए, नहीं तो आज मम्मी जा रही थी खाना देने के लिए, तो मैं खाना देके भी आ जाऊँगी, भैया को लेके भी आ जाऊँगी और आपको भैया से भी मिलाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा भैया पहुँच चुका है और हमारे लिए चीज़ी भी लेके आया है, अभी घर में दिखाएंगे कि क्या क्या लेके आया है ना। ये रहा मेरा सबसे बड़ा वाला भाई, और मेरे इस वाले भैया का नाम है सूरज पंवार, जिनका की होटल है, कौन सा, सैनिक होटल लगिया छा। अगर आप आएंगे तो आपको मेरी तरफ से फ्री नहीं 5% डिस्काउंट मिलेगा, फ्री में तो कैसा, हमारा भी तो पैसा लगता है, तो 5% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा नाम लोगे तो। ज़रूर जाएँ, ज़रूर विजिट करें, श्रीनगर में है होटल। और अभी हम घर में चलते हैं, भैया को खाना पीना खिलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भैया हमारे लिए रक्षाबंधन में लेके आया है इतनी सारी चॉकलेट्स, जो कि मेरी है सारी की सारी, नहीं नहीं मेरी है। और यहाँ पे हमारे लिए कुरकुरे भी आए हैं, एक ये मेरे लिए और एक दीदी के लिए, और इसे सारे चॉकलेट टपा दी, पर कोई बात नहीं मैं लेके रहूंगी। और यहाँ पे भैया ना मिठाई भी लेके आया है, सारी चॉकलेट भैया मैंने लेके आया है, नहीं मैं ले लाया है। और अभी हम बाद में खाएंगे, जब रक्षाबंधन मतलब मनाएंगे तब मिलते हैं आपसे। तो और अब टाइम है रक्षाबंधन का, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे आज ना इस टाइम पे 2 बजे से मुहूर्त स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि सुबह से भद्रा लगी हुई थी। और भद्रा होता है एक मुहूर्त, मतलब एक समय कि कहा जाता है कि जब शुभनगा ने रक्षाबंधन में मतलब भद्रा लगी हुई थी और उस समय अपने भाई को राखी बांधी थी, तो 1 साल के अंदर ही उसके पूरे कुल का विनाश हो गया था। इसलिए भद्रा के समय राखी नहीं पहनाई जाती है, क्योंकि वो भाई के लिए, बहन के लिए, किसी के लिए भी खराब होता है इस वजह से। और भद्रा अगर माने तो कहते हैं कि शनिदेव की बहन को कहा जाता है, इसलिए अभी भद्रा ख़त्म हो चुकी है, 2 बज चुके हैं और अब हम रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करते हैं। भाई से मैंने आपको मिला दिया है, अब चलते हैं अंदर और रक्षाबंधन मनाते हैं। बिना भैया मिठाई लेके आया था, ये है मिक्स मिठाई, और रक्षाबंधन की सबसे स्पेशल मिठाई होती है ये वाली घेवर, और ये ही होती है रक्षाबंधन की मिठाई। तो अभी हम पहले देवता में चढ़ाएंगे, उसके बाद हम इसके बाद की गाइस घेवर जो मेरा फेवरेट है ये मैं खा लेती हूं, हम दोनों खाएंगे। भैया कैसा लग रहा है गांव में, अच्छा लग रहा है? अच्छा, मुझे भी अच्छा लग रहा है गाइस। और ये शादी के बाद मेरा पहला रक्षाबंधन है, इस टाइम पे मेरे सारे पहले फंक्शन आएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे हमने सोचा था कि सारे भाई बहन एक साथ इकट्ठा होंगे, बट इस टाइम पे नहीं हो पाए, क्योंकि मोहित भी देहरादून में है, दीदी और भैया दूसरा भैया अभी वहाँ श्रीनगर में, तो भैया के लिए राखी भैया ही लेके जाएगा। अभी हम भैया को ही राखी पहनाते हैं, सबके बदले की इस टाइम पे भैया को ही राखी पहनाई जा रही है। और भैया की, और गाइस भैया की जेब ढीली होगी, हाँ। ये तो बहनों का हक है, हाँ। एक भाई से हमें पैसे पहुंच चुके हैं और अभी 2 भाई और रखे हैं हमारे। तो सबसे पहले यहाँ पे दीदी बांधेगी राखी, और वैसे तो पहले भगवान जी को चढ़ाना था हमने राखी, चलो मैं तो चलो गाइस रक्षाबंधन का टाइम हो गया और अब हम रक्षाबंधन मनाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सबसे पहले दीदी बांधेगी भैया को राखी। तो सबसे पहले टीका लगाते हैं, भगवान हमारे भाई को खूब तरक्की दे, खूब उन्नति दे, खूब पैसे कमाए, और हमें भी रक्षाबंधन में मोटे मोटे पैसे दे।
तो यहाँ पे पिठाई लग चुकी है, अब यहाँ पे राखी पहनाई जाएगी। तो सबसे पहले ना जो पंडित जी राखी देते हैं, तो ये वाली राखी दे रखी है पंडित जी ने, तो उसको पहनाया जाएगा पहले। बहुत बेकार रानी, भैया ना देख फोटो खींच लो, और अब अभी ना पंडित जी को पंडित जी वाली राखी पहना दी गई है, और अभी ना दूसरी राखी पहनाई जा रही है मेरी, और मेरी मम्मी यहाँ से व्यूअर है देख रही है मेरी मम्मी। अब यहाँ पे मिठाई खिलाई जाएगी, थोड़ा बड़ा पीस, चलो अब तो आप भी खिलाओ, आपको इनको तो बताना पड़ रहा है दोस्तों सब कुछ। अभी दीदी ने पहना दी है राखी, अब मेरी बारी है, अब मैं चलती हूँ राखी पहनाने के लिए। तो अभी सबसे पहले हम टीका लगाते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं। तो यहाँ पे हमने राखी पहना ली है, थोड़ा सा मुंह मीठा कराया जाए, पूरा खाओ मुझे थोड़ा सा खिलाना। नहीं पैसे नहीं लूंगी मैं तो। तो दोस्तों यहाँ पे अभी अब मैं अपनी दीदी को भी राखी बांध रही हूँ, क्योंकि बहनें भी तो एक दूसरे की रक्षा करती हैं। और तो सबसे पहले ना मैंने पंडित जी वाली राखी पहनाई है, पंडित जी ने तो ऐसी राखी दी है। तो दोस्तों यहाँ पे रक्षाबंधन का त्योहार हो चुका है सेलिब्रेट, काफी ज्यादा मजा आया, और इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।